प्रैक्टिकली आई फोन फिफ्टीन प्लस टॉप मॉडल प्रो मैक्स के बराबर ही है हर किसी को टाइटेनियम फ्रेम नहीं चाहिए और न ही 5x टेलीफोटो सेंसर मैंने 15 प्रो मैक्स बहुत यूज किया है और मुझे वो बहुत पसंद है लेकिन उसकी प्राइस इस फोन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है और फीचर्स डिफरेंट सिर्फ 10 से 20 परसेंट के बराबर होंगे अगर मैं इस फोन से खुश हूँ तो बहुत चांसेस है कि आपको भी ये फोन बहुत अच्छा लगेगा यहाँ एक बात मैं क्लियर बोलना चाहूंगी कि आई फोन फिफ्टीन एंड फिफ्टीन प्लस की डिजाइन बेस्ट है आई फोन थर्टीन एंड फोर्टीन इसके सामने एक डब्बे जैसा फील होते हैं डिजाइन एंड कम्फर्ट के हिसाब ऐसी प्रोमैक्स के कम्पेरिजन में यहाँ टाइटेनियम फ्रेम की जगह एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा और एक टेलीफोटो सेंसर कम मिलेगा इस पर एप्पल ने जो कलर्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा हल्के हैं ये कलर्स ग्लास में ही इन्फ्यूज किए गए हैं और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आए हैं आई फोन थर्टीन एंड फोर्टीन के कम्पेरिजन में इस पर तो मैट फिनिश दिया गया है तो बैक साइड भी बहुत प्रीमियम लुक देती है और फिंगरप्रिंट्स भी अट्रैक्ट नहीं करती एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से फोन बहुत ज्यादा हेवी फील नहीं होता और बहुत कंफर्टेबल लगता है यूज करने में मतलब वे डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट क्लास है फोन के एजेस कर्व है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल लगते हैं फोन को होल्ड करने में शायद ही कोई दूसरे फोन के एजेस इतने सॉफ्ट फील होते होंगे ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल फोन में से एक है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए भी डिजाइन एंड कंफर्ट के पॉइंट से फाइव आउट ऑफ फाइव मार्क्स मिलेंगे इस फोन को इसकी डिस्प्ले क्वालिटी फिफ्टीन प्रो मैक्स के जैसे सेम ही है अगर 120 ट्वेंटी की रिफ्रेश रेट को साइड कर दिया जाए तो इनकी डिस्प्ले क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है

एप्पल की डिस्प्ले पैनल के टेस्ट सिर्फ सैमसंग क्लियर कर पाता है अभी तक तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पैनल की क्वालिटी कैसी होती होगी यहाँ शार्पनेस हो कलर एक्यूरेसी हो या फिर एस डी आर एंड Dolby विजन में ब्राइटनेस लेवल बहुत ही शानदार है वन ट्वेंटी रिफ्रेश रेट का ना होना एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लेकिन अगर आप इसे कुछ दिन यूज कर लो तो आंखों को इसकी आदत पड़ जाती है हमारी बॉडी बहुत जल्दी एडजस्टमेंट कर लेती है बस दिमाग नहीं कर पाता मेरे पास अभी भी एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा है जो कि बेस्ट पैनल 120 ट्वेंटी हर्ट की रिफ्रेश रेट के साथ आता है उस पर स्क्रोलिंग सुपर स्मूथ है लेकिन फिर भी मुझे इस फोन की रिफ्रेश रेट से कोई इशू नहीं है आईओ बहुत ज्यादा स्मूथ है जो की कुछ हद तक रिफ्रेश रेट की कमी पूरी कर देता है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस 120 ट्वेंटी हर्ट वाली डिस्प्ले ही रहेगी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 120 ट्वेंटी हर्ट के लिए डबल पैसा खर्च करने की सोचो इस डिस्प्ले का एक और पार्ट इसका डायनेमिक आइलैंड है किसी को यह गिमिक लग सकता है और कंटेंट वाचिंग के टाइम अगर इस पर ध्यान चला जाए तो ये इरिटेटिंग भी लग सकता है लेकिन एप्पल ने इसे भी यूजफुल बनाया है और सबसे बड़ा यूज तो फेस आईडी का होना ही है फेस आईडी से ज्यादा सिक्योर अनलॉक मेथड अभी एप्पल ला नहीं पाया है और शायद अगले तीन से चार साल तक ये डायनामिक एलेंड डिस्प्ले का हिस्सा ही रहेगा सिक्स पॉइंट सेवन इंच की डिस्प्ले है तो यहाँ टाइपिंग बहुत ईजी है चीज मिस नहीं होंगी टाइप करने पर हैप्टिक फीडबैक तो आईफोन का बेस्ट है इसके कॉम्पिटिशन में कोई दूसरा फोन नहीं है ऐसे हैप्टिक्स देने वाला एक और नेगेटिव पॉइंट इतने महंगे फोन में कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है जो कि अब मैंडेटरी होनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर डिस्प्ले का कंक्लूजन करूं तो बेस्ट डिस्प्ले है लेकिन वन ट्वेंटी का ना होना और डिस्प्ले का ना होना कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर है आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स में जो प्रोसेसर यूज किया गया था वही प्रोसेसर यहाँ यूज किया गया है और ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि चार से पाँच साल तक प्रोसेसर से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा फोर के रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस भी यहाँ इजीली एडिट हो जाते हैं और हैवी से हैवी गेम स्मूदली चलते हैं ऐसा लगता है कि iPhone की पावर की तो बात करना ही बेकार है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्यादाफुल सेवनटीन प्रो, प्रो यूज किया गया है लेकिन एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो A16 भी बहुत आगे है इसके ऑप्टिमाइजेशन से ही फोन इतना स्मूथ काम करता है जैसे कैमरा की यू का स्मूथ चलना फोटोज एडिट करना वीडियो एडिट करना यहाँ सब स्मूथ है कितने भी हैवी यूजर हो इसके प्रोसेसर का फुल यूज नहीं कर पाओगे ये इतना पावरफुल है कैमरा परफॉर्मेंस भी प्रोसेसर से रिलेटेड है और कैमरा से फोटोज एंड वीडियोस का आउटपुट भी एक नंबर है बैक साइड में वाइड एंड अल्ट्रा वाइड सेंसर है वाइड सेंसर से 24 मेगापिक्सल की फोटो क्वालिटी यहाँ शानदार है यहाँ डिटेल डायनामिक रेंज कलर सब अच्छे है वाइड सेंसर से पोर्ट्रेट फोटोज 1x एंड 2x क्लिक करने का ऑप्शन है और यहाँ भी फोटो क्वालिटी एक नंबर है

ताई नहीं बता रहा भाई पूछो फिर से पूछो बताऊ नंट कैमरा से भी फोटो क्वालिटी बेस्ट क्लास है और वीडियोस यहाँ भी बहुत अच्छे आते हैं ओवरऑल अगर कैमरा की बात करूं तो इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट कैमरा सेटअप है टेलीफोटो सेंसर ना होने के बावजूद भी आईफोन 15 प्लस एक और रिकॉर्ड अपने नाम रखता है वो है इसकी बैटरी लाइफ आईफोन लाइनअप में सबसे अच्छी बैटरी लाइफ इसी की है और सिर्फ आईफोन लाइनअप ही नहीं एंड्रॉइड के कंपैरिजन में भी ये टॉप टू में तो आ ही जाएगा एक बार फुल चार्ज करने पर एवरेज यूजर को इससे डेढ़ से दो दिन तक यूज कर सकते हैं और हेवी यूजर के लिए भी इससे एक दिन का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिल जाएगा चार्जिंग भले ही ट्वेंटी वर्ट की है लेकिन चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता अगर रात को या अर्ली मॉर्निंग चार्ज कर लो तो हाँ कुछ यूजर्स को प्रॉब्लम हो सकती है चार्जिंग टाइम की जो चाइनीस पोर्ट आ गया है अब इस आईफोन में तो किसी भी पीडी डी से इसे चार्ज किया जा सकता है टाइप सी पोर्ट से अब कोई भी टाइप सी वाली एसेसरी यूज की जा सकती है लेकिन यहाँ भी एप्पल ने कटौती की है कि नॉन प्रो मॉडल्स में सिर्फ टाइप सी 2.0 वर्जन यूज किया है ना टाइप थ्री पॉइंट जीरो जैसे यूजर्स के लिए ये बेस्ट माना जाता है और इसे ये प्रमोट भी करता है आईफोन है तो प्राइवेसी है नो डाउट आईओ एस एक क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिक्योर भी है अब तो आईओ एस भी कस्टमाइजेशन के फीचर्स आ गए है और आ रहे हैं ग्रेजुअली तो अब ये उतना बोरिंग नहीं रहा जितना पहले होता था सॉफ्टवेयर सपोर्ट बेस्ट है सभी फोन में सेम डे सेम टाइम अपडेट आ जाते हैं और टाइमली आते हैं कोई भी Android फोन इसके आसपास नहीं है अपडेट्स के मैटर में सभी पॉइंट्स को अगर एक साथ कंक्लूड करूं तो हर एक पॉइंट बिल्ड क्वालिटी से लेकर डिस्प्ले कैमरा परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ सब बेस्ट ही है यहाँ हीटिंग इशू की बात करना रह गया है जब ये फोन लॉन्च हुए थे तो ये जरूरत से ज्यादा हीट हो रहे थे और मैंने ये बात अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताई थी लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है हर फोन हैवी यूज पर हीट होता है तो ये भी नॉर्मल हीट होता है तो मेरी तरफ से ये क्लियर रिकमेंडेशन है अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर